ऐसा नहीं कि बिजली के मामले में हम पिछड़े थे। हमारे प्राचीन काल के जो साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम ऋषि कहते थे, उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि, जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी आता है। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में अगस्त ऋषि ने बिजली का आविष्कार किया था? आश्चर्य हो रहा है ना आपको सुनके? मुझे भी हुआ। लेकिन अगर आप अगस्त संहिता पढ़ें, तो उसमें अगस्त ऋषि ने विस्तार से वर्णन किया है एक ऐसी पद्धति का जिसे आज पूरी दुनिया बैटरी के नाम से जानती है। ऋषि अगस्त्य के तरीके से बैटरी बनाने का प्रयोग जब हमारे आज के साइंटिस्ट ने किया, तो वो पूरी तरह से सफल हुआ। उज्जैन की प्रिंस लाइब्रेरी ने अगस्त्य संहिता को आज भी सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। यही नहीं, प्राचीन काल में ही इलेक्ट्रिक बैटरी के जरिए तुलसी से चार्ज किए हुए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम मेडिकल ओजोन बनाते थे। कैलिकट के बेजल मिशन ने इसी ओजोन बनाने की तकनीक को लेकर इसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एक प्रोफेसर क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबाइन के नाम से पेटेंट करवा लिया। और इसके काफी बाद 1896 में निकोलस टेस्ला, जो कि वैदिक साइंस से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने ओजोन जनरेटर बनाया और अपने नाम पे पेटेंट करा के टेस्ला ओजोन कंपनी स्थापित की। हमारे देश की और हमारे लोगों की यही त्रासदी रही है। अगस्त्य ऋषि के आविष्कार का नाम विश्व के इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ।